हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखो, मेरी पड़ोसन नहीं है, वो अपने मायके गई हुई है। इनका घर कितना सूना सूना लग रहा है। जब भी मैं इधर आती थी ना, तो वो दिख जाती थी मुझे, तो अच्छा लगता था। अब इधर ना देखने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो है ही नहीं, उनके बच्चे भी नहीं है, सूना सूना सा। जिस घर में औरत ना हो, वो घर कितना सूना सूना सा लगता है। तो चलो हम अपने खेत दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखो, उस दिन पालक तोड़ी हुई थी, फिर से पालक आ गई है। कितनी अच्छी, गर्मियों में तो ये हरी हरी सब्जियाँ बहुत कम मिलती है। गर्मी भी आने वाली है ठंड के बाद। और यहाँ पर देखो, ये मूलियाँ लगी हुई हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि आप लोगों को एक मूली तो दिख ही जाए, पर वो ना पूरी दबी हुई हैं। तो हो तो रही होंगी, जब इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं तो मूली भी होंगी। और ये है शायद, यानी मोगरा है बड़ा वाला। और ये मिर्च, जो कि मेरा 3 साल पुराना पेड़ हो गया है, 12 महीने मिर्च होती है इसमें, बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। और ये है सरसों का पेड़, यानी कुछ राई मैंने डाली तो नहीं थी, पर धनिया, जो धने डाले थे ना उसके साथ होंगी, तो वो डल हो गई हैं। और ये देखो, धने भी हुए हैं। मेथी जो डाली हुई थी, तो मेथी के फल भी होने लगे हैं। तो हमने भाजी तो खा नहीं पाई, क्योंकि हम थे ही नहीं यहाँ पे। तो इसमें देखो, ये जो बीज लग चुके हैं मेथी के, जो रहते हैं, देखो ये फल हो चुके हैं मेथी के। तो मैंने बोला चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। और कुछ पपीते हैं, क्योंकि इस पेड़ में तो नहीं है, वहाँ पर जो नीचे है, तो वहाँ पर है, तो आप लोगों को जूम करके दिखा रहे हैं। छोटे छोटे कितने पक गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है मैंने, सुबह का टाइम। और चलो उस रूम में चलते हैं, यहाँ पर अंधेरा है इसलिए यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर करते हैं। तो ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और मैंने अपने चेहरे पर बोरोलिन लगाया हुआ है। और अभी जो कल सेब बनाए थे वो डब्बे में रखने हैं, जो कि अभी रखे नहीं हैं, मैंने वैसे ही ढक कर रख दिया था। कल बहुत ज़्यादा थक गई थी, आजकल हिम्मत सी नहीं होती है। और हमारी एक सिस्टर बोल रही थी कि आपकी दीदी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है, क्या बात है, क्या कारण है? तो जैसा वो सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज ना एक गड़बड़ बात ये हुई है कि आज नल नहीं आए हैं, तो ठंडे ठंडे पानी से कपड़े धोने पड़े, बर्तन धोने पड़े। नल आते हैं ना तो गर्म गर्म पानी आ जाता है, तो उसमें हमारा काम हो जाता है। और जैसे ही देखा कि नल नहीं आए तो आधी घबराहट तो पहले ही होने लगी कि ठंडे ठंडे पानी से करना पड़ेगा हमको काम। तो सारा कुछ किया, और बाहर जो चूल्हा जलता है तो उसका भी हमने लिपाई पुताई कर दी, साफ़ क्लीन कर दिया। और आज हमको जाना है फिर से, तो कहाँ जाना है बताएंगे आप लोगों को। तो शाम का रिजर्वेशन, यानी ट्रेन का रिजर्वेशन हो चुका है, तो बस शाम को निकलेंगे। अभी मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी, आलू बॉईल करके और पराठे सेक दिए थे मैंने। तो यहाँ पर रखी हुई है आलू की सब्ज़ी। मैंने नाश्ता नहीं किया है, शुक्ला जी नाश्ता करके चले गए हैं खेत। और ये देखो, ये रखी हुई है आलू की सब्ज़ी। तो बस रोटी सेंकनी है, तो श्रेया भी चली गई है नाश्ता करके। मैंने ये लोगों को ना आलू, यानी आलू की सब्ज़ी और पराठे दे दिए थे, तो दोनों लोग अपने अपने काम पर चले गए। श्रेया चली गई है कोचिंग और शुक्ला जी चले गए हैं खेत। तो ये लोग अपने समय से आएंगे, फिर मैं बाद में बना लूँगी, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। और आधे कुछ बर्तन पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो धोएंगे। और ये कपड़े डले हुए हैं, बहुत ठंड है। अब आइए, देखो करीब 12, 12:30 बज रहा है, तो इतनी सी जगह में धूप आई हुई है, आप लोग देख सकते हो, ज़रा सी जगह में धूप आई है। तो थोड़ी देर धूप में बैठने की इच्छा हो रही है, अंदर लाइट भी गोल है, तो चलो इधर पर बैठते हैं थोड़ी देर। और पैकिंग भी करनी है, क्या पैकिंग करनी है देखते हैं, ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं ले जाएंगे। एक तो ठंड में ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे कपड़े ले जाना पड़ता है, हमको खुद नहीं पता होता है कि हम कितनी स्वेटर पहन के जाते हैं, सच में इतनी ठंड रहती है। और यहाँ पर ना थोड़ा क्या है, खेत हैं चारों तरफ, तो सिंचाई होती है, तो ठंडा ठंडा मौसम रहता है, इसलिए यहाँ से निकलने के बाद इतनी ठंड नहीं लगती, पर यहाँ पर बहुत ठंड है। तो अभी मैंने स्टॉल डाला हुआ है, स्वेटर भी पहनी हुई है, तो मिलूँगी थोड़ी देर से। मेरे पास कुछ क्लिप रखी हुई हैं जो कि मायके की है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, बट उस समय मैं शेयर नहीं कर पाई, तो इस वीडियो पर मैं ऐड कर दे रही हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों को शाम को, जब तक आप लोग ये वीडियो देखिए।
फ्रेंड्स यहाँ पर बना रहे हैं हम गोभी आलू मटर की सब्जी। तो मैंने बोला चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये मायके का क्लिप है जो कि मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर देती बट कोई कारणवश मैं नहीं कर पाई। तो यहाँ पर मैंने जीरा राई डाल दिया है और कढ़ाई गर्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो अदरक लहसुन प्याज पीस के रखा हुआ था तो किस के रखा हुआ था, और एक प्याज देखो बड़ी सी दिख रही है क्योंकि वो भूल गए हैं। तो चलो कोई ना, मैंने वैसा सारा कुछ डाल दिया था ऐसे ही। और इसमें आप कुछ मसाले डाल देंगे। सब्जी मैंने अच्छे से धो ली है जो कि मटर आलू प्याज मटर आलू है और गोभी, वो सारे अच्छे से धो लिए हैं। सुबह का टाइम है, जल्दी से बनाना है क्योंकि पापा को सुबह 9 बजे नाश्ता करने की आदत है। तो वो नहा धो के रेडी हो गए हैं, जल्दी से उनको देना है। ये जब का क्लिप है जब पापा का ऑपरेशन नहीं हुआ था। और ये देखो यहाँ पर मैंने गोभी आलू है जो आलू मटर वो डाल दिए और बस कुछ देर तक हम इसको चलाएंगे। और ये जो चिपकने लगेगी सब्जी तो चिपके ना, उससे अच्छा मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। तो ये मैंने मोबाइल पकड़ा दिया था मम्मी को या श्रेया को, अच्छे से ध्यान नहीं है, किसी ने तो पकड़ा था। और यहाँ पर बस सब्जी बन रही है, सुबह का टाइम है तो मैंने चलो शायद मम्मी ने पकड़ा हुआ था मोबाइल। और यहाँ पर भगवान जी, ये देखो पापा जी ने पूजा कर ली है, धूप अगरबत्ती जल रही है। और यहाँ पर बस सब्जी में कुछ थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिसमें वो चिपके ना। और यहाँ पर बस आगे आप लोगों को दिखाऊंगी जो भी है, क्योंकि हम लोगों ने लड्डू भी बनाए थे, यानी बनाए तो हमने थे, बांधे जो लड्डू बनाते हैं ना तो वो मम्मी ने और श्रेया ने किया था। बाकी ये पूरा प्रोसेस तो मैंने किया था क्योंकि मेरे पास मशीन भी नहीं थी, तो मैंने कैसे सेब निकाले आप लोगों को बताऊंगी। और एक रात मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बीपी लो हो गया था। मुझे बड़ी परेशानी होती है कि बीपी लो हो जाता है मेरा जब देखो जब, तो मुझे ना हेडेक होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती, घबराहट होती, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये एनर्जी ड्रिंक और कुछ दवाइयाँ मम्मी लेकर आई थी, रात के करीब 10 बज रहा था। तो ये देखो मेरी हालत कितनी गंभीर थी, ये उसी दिन रात का है। और अगली सुबह आप लोगों को मिलूँगी मैं। ये देखो अगली सुबह मैंने बनाए थे ये सेब के लड्डू, तो ये मम्मी लोगों ने बनाए थे। यानी सेब, मूंगफली और जी गुड़ का पाग रहता है, ये सब कुछ मैंने तैयार किया था, सिर्फ कोपर में ला के मैंने दे दिए थे। तो यहाँ पर मम्मी और श्रेया बना रही हैं। अब सेब मैंने कैसे निकाले वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। सेब मैंने जो झरिया रहती है ना, आटा यानी बेसन गूंथ के रख दिया था, सेब झरिया के सहारे से निकाले थे मैंने, जब जाके बना पाई क्योंकि मशीन यहाँ पर नहीं थी इसलिए। तो ये देखो लड्डू बन चुके हैं। तो ये संक्रांति के पहले का है और पहले ही बना के रख दिए थे क्योंकि मुझे पता था मैं जाने वाली हूँ, इसलिए पहले बना दिए थे मैंने। यहाँ पर मम्मी लोग ने तो लड्डू बना लिए थे और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाजू में शुक्ला जी हैं। तो ये देखो मैं धीरे से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी और वो पता नहीं क्या कर रहे थे, तो मैंने बोला चलो उनको आज वीडियो पर ले लेते हैं। उनके बाल पीछे से उठे उठे लग रहे थे तो मैंने थोड़े से अच्छे कर दिए, वो मेरा मुंह देखते हैं। उनको पसंद नहीं है वीडियो पे आना, पर मैंने थोड़ा सा मैंने बोला कि मैं नहीं डाल रही है, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, बट मैंने इसको डाल दिया है, अगर वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो ये देखो मैं बोल रही थी, ये मैं बोल रही थी कि मेरे हिटलर हैं ये देखो। एक सेकेंड, इनके चेहरे में बहुत कम स्माइल देखने मिलती है, हमेशा ये मुंह बनाए रहते हैं। क्यों मुंह बनाए रहते हो? तो फ्रेंड्स आज जाने की तैयारी हो रही थी और मेरे 3 दिन हो गए हैं कोई भी ब्लॉग नहीं गया, तो मैं सोच रही थी आज एक ब्लॉग पब्लिश कर देते हैं और फिर लास्ट में आप लोगों को, यहाँ से हम जब जाएंगे तब आप लोगों को एक ब्लॉग मिलेगा। यहाँ पर बहुत काम चल रहा है, घर बन रहा है ना, तो सारा कुछ टूटना है, तो जा रहे हैं हम लोग। और वैसे भी हम लोगों को बहुत दिन हो गया है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में बहुत कम मायके आती थी मैं, इस बार बहुत ज़्यादा, और मेरी वजह से मैंने शुक्ला जी को भी रोक लिया कि मेरे साथ ही चलना, तो ये बोलते मैंने आकर गलती कर दी है, ना मैं आता ना मैं रोकती, तो मैंने इनको रोक लिया, तो ये अभी रुके हुए हैं, तो हम लोग साथ में ही जाएंगे घर। तो कल का हो रहा है जाने का, अरे शोर मत मचाओ। तो गुड़िया यहाँ पर सो रही है और आज ही पापा का ऑपरेशन होने वाला है। ये दीवार देखो यहाँ से पीछे सारा कुछ टूट के बनेगा, तो आज ही पापा गए हैं, पापा का आज ऑपरेशन है, सिस्टर गई हुई हैं। और मैंने
थोड़े से लड्डू बनाए हुए थे जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिए ऐसे ही खाने के लिए, क्योंकि हम चल जाएंगे तो शायद ये लोग रेडीमेड मंगवाएं, तो मैंने बोली चलो थोड़े बहुत घर के लड्डू बन जाएंगे, तो थोड़े ही बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए हैं, तो पहले से ही बना कर रख दिए हमने। और बस अब हमारी पैकिंग आधी हो चुकी है, आधी और करना है। तो आज जाने का हो रहा था, पर फिर शुक्ला जी ने बोला कि अब आज ही ऑपरेशन है और आज ही जाने का है, अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने कल सुबह का कर दिया। तो कल सुबह शायद निकलेंगे हम लोग, तो फिर आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट दिन ब्लॉग आएगा। और जब हम ससुराल आ जाएंगे तो आप लोगों को डेली ब्लॉग मिलेंगे, यहाँ पर नहीं, यानी ब्लॉग बना ही नहीं पा रही थी मैं यहाँ पर, और वीडियो एडिट करने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। जैसे तैसे मैं वीडियो भी शूट कर लेती ना, तो एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, इतना शोर इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि क्या बताएं। जहाँ पर भी अभी मैंने चुप कराया हुआ है, जो श्रेयांश है बहुत शोर करता है, बातें ही करता रहता है, तो मैं चाहती हूँ कि एडिटिंग, अभी तो मैं शूट कर रही हूँ तो मैंने उसको चुप करा के रखा हुआ है। तो इस मैं सोच रही थी कि इस वीडियो का मैं एंडिंग यहीं पर कर दूँ, अब जाती हूँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, सोने का तो मैं सोच नहीं रही हूँ क्योंकि काम बहुत पड़ा हुआ है, तो काम मैं कर लेती हूँ। हाँ, और जब ससुराल जाऊँगी तो आप लोगों को डेली ब्लॉग मिलेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी यानी वीडियो बनाने की और ब्लॉग शेयर करने की, और बस फिर बाकी की बातें आप लोगों को वहीं पर मैं बताऊँगी क्या क्या अभी इतने दिनों में हुआ मेरे साथ, और क्या क्या यानी कमेंट्स आए हैं, किसके कमेंट्स अच्छे लगे, किसके कमेंट्स अजीब तरीके के थे, तो मैं सभी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। तो चलो वीडियो का एंडिंग करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।